गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम सामाजिक स्थिरीकरण के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, आधार एवं पिछले वर्षों में यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण क्या है। जैसा कि नाम से पता चल जाता है कि सामाजिक स्थिरीकरण यानी समाज को कई सत्रों में विभाजित करना। तो आज तक के इतिहास को अगर हम देखें तो विश्व में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जो पूर्ण रूप से समान हो, उसमें कोई स्तर ना हो। सभी समाजों में गैर बराबरी होती है। विश्व में ऐसा कोई समाज नहीं है जिसको हम कह सकें कि ये पूर्ण समान हो। हाँ, ये अवश्य हो सकता है कि किन्हीं समाजों में असमानता कम होती है, किसी में अधिक होती है। विभेदीकरण और असमानता पाई जाती है और यही आगे चलकर विभेदीकरण है वो स्थिरीकरण का आधार बन जाता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? एक विशिष्ट प्रकार का सामाजिक विभेदीकरण है। इसमें क्या होता है कि सामाजिक पदों को उच्चता और निम्नता के क्रम में श्रेणीबद्ध किया जाता है। तो किसी विशिष्ट आधार पे यह कार्य किया जाता है। मैक्स वेबर ने कहा है कि यह जो स्थिरीकरण का कार्य है वो संपत्ति, शक्ति और प्रतिष्ठा के कारण होता है। उनके असमान बंटवारे से ही समाज में स्थिरीकरण पनपता है। तो यहाँ थोड़ी सी दो तीन अवधारणाएं हैं जो समान दिखाई देती है, लेकिन इनमें काफी भिन्नता है। जैसे कि सामाजिक स्थिरीकरण, सामाजिक असमानता और विभेदीकरण, ये तीनों एक दूसरे से भिन्न हैं। अगर हम विभेदीकरण की बात करें तो विभेदीकरण किसी भी आधार पर किया जा सकता है। जैसे आयु, लिंग, आय, प्रजाति आदि के आधार पर व्यक्तियों को कई वर्गों में विभाजित किया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि उच्चता और निम्नता का क्रम नहीं पाया जाता है। जब इस प्रकार के विभाजन में उच्चता और निम्नता की बात आ जाती है, उसको सामाजिक स्वीकृति मिल जाती है, तो फिर वो सामाजिक स्थिरीकरण का रूप ले लेता है। असमानता क्या है? असमानता कहीं भी हो सकती है। असमानता से तात्पर्य है कि समाज के जो संसाधन हैं उनका समाज के व्यक्तियों के मध्य, समूहों के मध्य असमान वितरण है, वो असमानता है। तो सामाजिक स्थिरीकरण, असमानता और विभेदीकरण तीनों अलग अलग अवधारणाएं हैं। अब बात करते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख परिभाषाएं क्या है जो अक्सर परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। तो पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण वह प्रक्रिया है। सामाजिक स्थिरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसमें किसी सामाजिक व्यवस्था में व्यक्तियों को उच्चता व निम्नता के क्रम विन्यास में विभाजित किया जाता है। यानी एक विभेदीकरण की व्यवस्था है जिसमें उच्चता और निम्नता के क्रम में व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को विभाजित किया जाता है। रेमंड मूरे के अनुसार स्थिरीकरण उच्चतर एवं निम्नतर सामाजिक इकाइयों में समाज का एक क्षैतिज विभाजन है, समानांतर विभाजन है। गिडेंस ने क्या कहा कि सामाजिक स्थिरीकरण समाज में भौतिक या प्रतीकात्मक प्रतिफल के आधार पर समूहों के बीच में संरचनात्मक गैर बराबरी है। गिडेंस क्या कहते हैं कि भौतिक वस्तुओं के परिणाम स्वरूप समूह के बीच संरचनात्मक गैर बराबरी आ जाती है। यानी वो गैर बराबरी है वो संस्थागत हो जाती है, संरचना में निहित होती है, तो वो फिर सामाजिक स्थिरीकरण कहलाती है। अब बात करते हैं कि सामाजिक स्थिरीकरण की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो सामाजिक स्थिरीकरण जैसा कि पता ही है, यह समाज को कई सत्रों में विभाजित करता है और इन स्तरों में उच्चता व निम्नता का क्रम पाया जाता है। साधारणतया सामाजिक स्थिरीकरण है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। साधारणतया जैसे कि हमारी जाति व्यवस्था है तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है। आज से हजारों साल जो स्थिरीकरण का स्वरूप था वही आज भी है। हाँ, वर्ग में ये चलता रहता है, लेकिन उसमें ऊपर नीचे जो गतिशीलता है वो आ सकती है। सामाजिक स्थिरीकरण है वो सामान्य मूल्यों से उत्पन्न होते हैं। टालकर पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक स्थिरीकरण या व्यवस्था है जो सामाजिक स्थिरीकरण की, वो सामान्य मूल्यों से व्युत्पन्न होती है। उसकी उत्पत्ति है वो समाज के जो सामान्य मूल्य है उनसे उनकी उत्पत्ति होती है। जैसे कि भारत में हम बात करें तो यहाँ पवित्रता और अपवित्रता की धारणा अधिक है, तो ये हमारे समाज के सामान्य मूल्य है। तो हमारे जो स्थिरीकरण का आधार है वो क्या हो गया? धार्मिक आधार हो गया। अगर हम पश्चिम के समाजों की बात करें तो वहां जो भौतिक मूल्य हैं उनको अधिक महत्व दिया जाता है। तो भौतिक मूल्य है उनका आधार है वो आर्थिक है, तो आर्थिक आधार पे वहां स्थिरीकरण होता है।
अगर पांचवी विशेषता की बात करें तो यह केवल किसी एक व्यक्ति या एक समूह के बीच पाई जाने वाली विविधता नहीं है, भिन्नता नहीं है, यह इससे अधिक है। यह संपूर्ण समाज में पाई जाती है। सामाजिक स्त्रीकरण को समाज द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। समाज के अधिकांश सदस्य हैं, चाहे वो उच्च क्रम में हो, चाहे वो निम्न क्रम में हो, सभी स्वीकार करते हैं और इसे बनाए रखने का प्रयास भी करते हैं। सामाजिक स्त्रीकरण को बनाए रखने में धार्मिक विश्वास है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था है, तो इसे अनेक प्रत्येक जाति से अनेक धार्मिक विश्वास है, और ऐसा कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के शरीर से ही इनकी उत्पत्ति हुई है, तो इनका पालन करना चाहिए। सामाजिक स्त्रीकरण केवल सामाजिक ही नहीं होता, बल्कि इसका आधार आर्थिक भी होता है। यह समाज में श्रम विभाजन का आधार होता है। इसे समाज में कार्यों का बंटवारा किया जाता है, जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था के अंतर्गत कर रखा है, पश्चिम में वर्ग है, उनको भी व्यवसायों के आधार पर मुख्य रूप से माना जाता है। सामाजिक स्त्रीकरण में गतिशीलता है। तो सामाजिक स्त्रीकरण क्या है कि एक जड़ संरचना नहीं है, जड़ व्यवस्था नहीं है, इसमें गतिशीलता पाई जाती है। ये अलग बात है कि जो बंद प्रकार के सामाजिक स्त्रीकरण हैं उनमें गतिशीलता कम पाई जाती है, जैसे कि भारत में जाति व्यवस्था है, तो यहाँ सामाजिक स्त्रीकरण में गतिशीलता कम है। लेकिन फिर भी अमन श्रीनिवास ने कहा है कि संस्कृतिकरण के द्वारा, सांस्कृतिक परिवर्तन द्वारा सामाजिक गतिशीलता वो पाई जाती है। और जो वर्ग व्यवस्था है उनमें सामाजिक गतिशीलता है वो अधिक है। अब बात करें सामाजिक स्त्रीकरण के आधार क्या है, किन किन आधारों पर सामाजिक स्त्रीकरण है वो हो सकता है या विश्व में है। तो अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो सामाजिक स्त्रीकरण है वो दो प्रमुख आधारों पर किया जाता है। एक है प्राणी शास्त्रीय, जिनमें लिंग, जन्म, आयु, प्रजाति आदि के आधार पर सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। जन्म, जैसे कि दक्षिण अफ्रीका में प्रजाति के आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। जो जनजातीय समाज है वहां आयु और लिंग के आधार पे सामाजिक स्त्रीकरण पाया जाता है। दूसरा जो प्रमुख आधार है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक। इसमें संपत्ति, व्यवसाय, धर्म, धार्मिक सॉरी राजनीति, आर्थिक, इन आधारों पर सामाजिक स्त्रीकरण होता है, जैसे कि पश्चिम के वर्ग व्यवस्था है उसके अंदर। तो इन्हें जो प्राणी शास्त्रीय अवधारणा है, इन्हें हम बंद प्रकार का सामाजिक स्त्रीकरण कहते हैं। और जो सामाजिक सांस्कृतिक आधारों पर है, धर्म के आधार पे राजनीति सॉरी धर्म के आधार पे नहीं होंगे, संपत्ति के आधार पे, व्यवसाय के आधार पे, राजनीति के आधार पे और आर्थिक आधार पर जो सामाजिक स्त्रीकरण होता है उसे हम खुला स्त्रीकरण कहते हैं। इनके अलावा पार्सन्स ने 6 आधार बताए हैं सामाजिक स्त्रीकरण के। नातेदारी समूह है, ये प्राचीन समाज और जनजातीय समाजों में सामाजिक स्त्रीकरण का आधार है वो नातेदारी समूह होता है। व्यक्तिगत विशेषताएं, जैसे कि जन्म से है, आयु, लिंग है या अन्य प्रकार की व्यक्तिगत विशेषताएं हैं वो है। अर्जित उपलब्धियां, जैसे कि वर्ग में होता है, व्यवसाय और धन संपत्ति आर्थिक चीजें हैं, और या फिर हम अपनी जो नौकरशाही है उसमें भी अर्जित उपलब्धियों के आधार पे स्त्रीकरण करते हैं। संपत्ति के आधार पे, शक्ति के आधार पे और सत्ता के आधार पे, ये 6 हैं वो सामाजिक स्त्रीकरण के 6 आधार हैं वो पार्सन्स ने बताए हैं। अगर हम प्रकारों की बात करें कि सामाजिक स्त्रीकरण कितने प्रकार के होते हैं, तो सामाजिक स्त्रीकरण है वो एक परिवर्तनशील अवधारणा है, समय के साथ इनमें भी परिवर्तन आता रहता है। और विशेष तौर से जो खुले प्रकार का सामाजिक स्त्रीकरण है उनमें ये परिवर्तन है वो अधिक होता है। तो हम आज तक के इतिहास की बात करें तो वोटोमोर ने कुल 4 प्रकार के सामाजिक स्त्रीकरण बताए हैं, आधार बताए हैं। नंबर 1 दास प्रथा, ये प्राचीन समाज की विशेषता है। इसमें समाज के अंदर 2 स्तर थे, पहले स्तर पर स्वामी थे, दूसरे पे दास थे। दूसरी जो व्यवस्था है वो जागीरदारी व्यवस्था है, जो मध्यकालीन यूरोप थी, जिसे अंग्रेजी में स्टेट कहते हैं। इसमें 3 वर्ग थे, सामान्य जनता, सामंत और पादरी वर्ग। पादरी वर्ग सबसे उच्चता, सामंत बीच में थे और सामान्य जनता सबसे निम्न स्तर पर थी। जाति की बात करें तो ये जाति है भारतीय, विशेष तौर से भारतीय उपमहाद्वीप की विशेषता है। इसमें कुल 4 वर्ण हैं, जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसे स्त्रीकरण की बंद व्यवस्था हम कह सकते हैं, क्योंकि यह जन्म पर आधारित होती है। चौथा जो वोटोमर ने आधार बताया है वो वर्ग है।
तो आधुनिक विश्व में वर्ग है वो स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है। तो इसमें कुल तीन वर्ग है, उच्च, मध्यम और निम्न। इसके अलावा अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार के वर्ग बताए हैं। तो अब बात करते हैं पिछले वर्षों के जो नेट एग्जाम है या प्रतियोगी परीक्षाओं में, उनमें कौन कौन से प्रश्न है वो पूछे गए हैं। तो पहला है, किसने स्त्रीकरण के निर्धारण में सामाजिक मूल्यों को महत्वपूर्ण माना? तो इसका आंसर होगा पार्सन्स ने कहा है कि सामाजिक स्त्रीकरण के निर्धारण में सामाजिक मूल्यों की भूमिका है वो महत्वपूर्ण होती है। सामाजिक मूल्य क्या है? धार्मिक है, आध्यात्मिक है, भौतिक मूल्य है। उन मूल्यों के आधार पे ही सामाजिक स्त्रीकरण का निर्धारण होता है, ऐसा पार्सन्स का मानना है। कौन है वो संस्करण को समाकलनात्मक सिद्धांत के रूप में देखता है? तो इसका आंसर होगा मैक्स वेबर। तीसरा प्रश्न है कि किसने सामाजिक स्त्रीकरण को प्रकार्यात्मक आवश्यकता माना है? तो पार्सन्स, रेमंड मुरे और किंग्सले डेविस, ये स्त्रीकरण को समाज की प्रकार्यात्मक आवश्यकता मानते हैं। किसने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रतिष्ठा सूचक उपागम प्रदान किया? इसे परिस्थिति समूह भी कहा जाता है। तो ये दिया था विलियम लॉयड वॉर्नर ने। इसे प्रतिष्ठा सूचक सिद्धांत कहते हैं और इन्होंने समाज को कई परिस्थिति समूह में विभाजित किया था। ये उनकी पुस्तक थी याकि सिटी। इस पुस्तक में इन्होंने प्रतिष्ठा सूचक उपागम प्रदान किया। सामाजिक स्त्रीकरण का व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत किसने दिया? तो किंग्सले डेविस ने, व्यवहारिक विश्लेषण का सिद्धांत। किसने जाति को एक बंद परिस्थिति समूह कहा है? तो है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने जाति को क्या कहा है? जब वो पद प्रतिष्ठा की बात कर रहे थे तो उन्होंने जाति को भी एक परिस्थिति समूह माना है। किस प्रकार का परिस्थिति समूह माना है? एक बंद प्रकार का परिस्थिति समूह है वो मैक्स वेबर ने जाति को माना है। जाति की जब परिभाषा की बात करते हैं तो एक परिभाषा मजूमदार ने दी है कि जाति एक बंद वर्ग है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। तो ये मैक्स वेबर ने कहा है कि जाति एक बंद परिस्थिति समूह है और मजूमदार ने कहा है कि जाति एक बंद वर्ग है। सामाजिक स्त्रीकरण का आर्थिक आधार पता ही आपको कार्ल मार्क्स ने दिया था। इन्होंने समाज में दो स्तरों की बात की थी, शोषक और शोषित। जाति की एक परिभाषा है कि जब 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 वर्ग में कुछ कुछ सुदृढ़ता से पुश्तैनी हो तो उससे क्या कहते हैं? जाति कहते हैं। यह परिभाषा किसने दी थी? सी एच कुले ने। जब वर्ग कुछ कुछ दृढ़ता से कुछ पुश्तैनी हो यानी वो जन्मजात हो तो उसे जाति कहते हैं, सी एच कुल्ले। किसने सामाजिक स्त्रीकरण का आधार, प्रमुख आधार है वो शक्ति को माना? तो सी राइट मिल्स ने सामाजिक स्त्रीकरण का प्रमुख आधार है वो शक्ति माना है, पावर। द लेजर ऑफ द थ्योरी ऑफ लेजर क्लास में विलासी वर्ग की अवधारणा दी थी। तो ये अवधारणा है वो बेबलिन ने दी थी। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन ए फोरम, द फोरम्स एंड फंक्शंस ऑफ इक्वालिटी, ये पुस्तक है जो कि मेलविन ट्यूमन ने लिखी थी। और इसमें मुख्य रूप से इन्होंने जो डेविस का प्रकार्यात्मक सिद्धांत है उसकी आलोचना इन्होंने की थी। सामाजिक स्त्रीकरण में गिडेंस ने शक्ति के वितरण को प्रमुख आधार माना है। किसको? शक्ति का वितरण है वो सत्रीकरण का प्रमुख आधार है, ये गिडेंस ने कहा था। और समाज के जो उच्च, निम्न और मध्यम तीन वर्ग बताए हैं तो वो एंथोनी गिडेंस ने भी इन तीन वर्गों की बात है वो की है। वोटोमेर के अनुसार सामाजिक स्त्रीकरण वस्तुत्व वर्ग के आधार पर समाज का विभाजन है। यह विभाजन प्रतिष्ठा और शक्ति के आधार पर उच्चोच्च श्रेणी में रखा जाता है, ऐसा वोटोमेर ने कहा था। किंग्सले डेविस, जो उनकी पुस्तक थी ह्यूमन सोसाइटी 1949 में आई थी, इनके अनुसार समाज, कोई भी समाज है वो स्तरहीन नहीं है, सभी समाजों में स्त्रीकरण की व्यवस्था है वो पाई जाती है, ऐसा किंग्सले डेविस ने कहा था। बेवर के जो स्त्रीकरण का सिद्धांत है उसको भारतीय जाति के संदर्भ में
इसका आधार बनाकर अध्ययन किया है वो आंद्रे बितेन ने किया था। आंद्रे बितेन ने अपनी पुस्तक कास्ट क्लास एंड पावर जो 1969 में आई थी, इस पुस्तक में इन्होंने वेबर के जो स्त्रीकरण का आधार है, सिद्धांत है, उसके आधार पे जाति व्यवस्था में सामाजिक स्त्रीकरण की खोज की थी। श्री पूरम गांव का इन्होंने अध्ययन किया था और जाति वर्ग और शक्ति के संदर्भ में इन्होंने सामाजिक स्त्रीकरण की चर्चा की है। जाति वर्ग और शक्ति, कास्ट क्लास एंड पावर के संदर्भ में सामाजिक स्त्रीकरण की बात की है। और इन्होंने जो आधार बनाया है वो कौन सा बनाया है, वो आधार बनाया है इन्होंने मैक्स वेबर ने संपत्ति शक्ति और प्रतिष्ठा की जो बात की है उसी संदर्भ में आंद्रे बितेन ने ये अध्ययन किया है। तो ये सामाजिक स्त्रीकरण की अर्थ परिभाषा विशेषताएं प्रकार हो गए। अगले वीडियो में हम सामाजिक स्त्रीकरण क्यों होता है इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसमें विभिन्न विचारकों ने अपने अलग अलग मत प्रदान किए हैं, अलग अलग सिद्धांत दिए हैं, जिसमें प्रकारात्मक सिद्धांत है, संघर्ष सिद्धांत है, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, उनकी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।